गए हैं, आपका परिचय कम है। मैंने कहा कि अभी आपको पूरी बात जानकारी नहीं है। यहाँ जितने चकनिया विधानसभा के प्रमुख कार्यकर्ता बैठे हैं, एक एक से मेरा परिचय है। लेकिन उनको मैंने कहा कि मेरा परिचय केवल कमल का फूल है, यही मेरा परिचय है, यही आवश्यक परिचय है, इसी पापा है। दूसरी बात उन्होंने पूछी, आपके सामने एक बहुत बड़े महानुभाव बन रहे हैं, उनके तमाम विशेषणों की व्याख्या उन्होंने की। हमने कहा कि जितने भी विशेषण उनके हैं, एक चीज आपको और आप भी जान लीजिए कि प्रदेश में योगी जी की सरकार है, न तो कोई माफिया है, न कोई बाहुबली है, यदि है तो जमीन दोज हो गया, नहीं तो ऊपर चला गया, ये जेल के सीटों के पीछे बंद। मित्रों, जब देश में आदरणीय मोदी जी का सारे संसार में गंदा बज रहा है, तो उद्देश्य तो भारतीय जनता पार्टी का, पूरे संगठन का यही है कि भारत माता विश्व के सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान हो और पूरे संसार को आशीर्वाद हर तरह। और दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति भी जब तक सुखी नहीं होंगे, जब तक उनका विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं होगा। इन दोनों कामों में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी पूर्ण मनोयोग से लगे। कोरोना का कालखंड इसका उदाहरण है, जिसको आपने देखा, जब हमारे घर के लोग नौकरियां छोड़कर देश के अनेक शहरों से भाग भाग अपने गांव को आ रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबको 80% जनता को मुफ्त राशन देने की बात कही, जो आप चल रहे हैं। ये है हमारा वचन, ये है ध्येय, ये है लक्ष्य। दूसरी बात, भारत के डॉक्टरों ने सबसे पहले कोरोना की दवाई बनाई। आज मोदी जी की प्रेरणा से अपनी जनता के भी प्राण बचाए। जब हम वसुधैव कुटुंबकम का नारा देते हैं, तो सारे विश्व के लोगों के प्राणों की रक्षा की हमारी दवाई अमेरिका के राष्ट्रपति ने खाई। आपने देखा कि पिछले दिनों जब मोदी जी विदेश यात्रा पर थे, तो कई शासनाध्यक्ष उनके पैर छू रहे थे। इसलिए पैर छू रहे थे, उनकी जनता के प्राणों की रक्षा भारत के डॉक्टरों द्वारा बनाई गई दवाई से हुई थी, कोई देख के पैर नहीं छू रहा। आज देश का सम्मान बढ़ा है संसार के भीतर, इस बात को आपको बताना चाहता हूं। भारत मां की जय जयकार सारे संसार में हो रहा है। कल्याण सिंह जी कहते थे कि जब तक हमारे घर की बहन माताएं गानों से भरी हुई कोई महिला सड़क पर अर्धरात्रि को निकल जाए, किसी की उंगली उठाने की हिम्मत न हो, उसे शासन करते हैं, उसे शासन करते हैं। आज वही शासन योगी जी के नेतृत्व में पूरे देश प्रदेश में विराजमान चल रहा है। मित्रों, मनोज सिन्हा जी का नाम लिए बिना भारतीय जनता पार्टी की कोई सभा कैसे सफल हो सकती? 2014 में वो जीत कराए, आपने जिताया, विकास का रथ इतनी तेजी से चला, इतनी तेजी से चला कि रेल राज्य के मंत्री, रेल राज्य मंत्री बनाए गए थे। और रेल राज्य मंत्री के बनने के 15 दिन के भीतर कलकत्ता से, बॉम्बे से, मद्रास से, दिल्ली से, कटरा से, सभी रेलवे स्टेशनों पर लगे माइक चिल्लाने लगे, गाजीपुर जाने वाली ट्रेन 4 बजे खुली, पूरे उसके पार्वती क्षेत्र में कहीं कोई पता नहीं चला। और अनाप शनाप का वक्तव्य देना, ये तो उनकी आदत है, तो कोई नई बात नहीं। मित्रों, अंतिम बात कहूंगा, जाना है गाजीपुर कार्यक्रम में, यदि पार्लियामेंट जाने का अवसर मिला तो मनोज सिन्हा ने विकास का जो काम शुरू किया था, उसको दुगुनी गति से आगे बढ़ाने का प्रयत्न करूंगा।
उन्हीं का आशीर्वाद से मिली की प्रेरणा से भारी सांसद हम सब के अभिभावक आदरणीय श्री पारसनाथ राय जी, मंचस्थ सभी वरिष्ठ नेतागण, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्तागण और भारतीय समाज पार्टी के भी सम्मानित नेतागण कार्यकर्तागण, प्यारे भाइयों, मातृशक्ति देवियों, काफी समय से आप हमारे वक्ताओं का विचार सुन रहे हैं। मित्रों, ये जो लोकसभा का चुनाव है, कोई ये आम चुनाव नहीं है, यह संघर्ष दो विचारधाराओं का संघर्ष है। एक तरफ ऐसे लोग खड़े हैं जो जाति और धर्म के नाम पर, फिरका परस्ती के नाम पर इस मुल्क को बांटना चाहते हैं, समाज में आग लगाकर समाज के भाईचारे को समाप्त करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर के इस राष्ट्र के विकास के लिए, इस भारत को विकसित भारत बनाने के लिए, इस भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए संकल्पित है। मित्रों, मैं राष्ट्रीय स्तर पर बात नहीं करना चाहता, इस गाजीपुर के नौजवानों को, बुजुर्गों को, इस गाजीपुर के इतिहास को जानना चाहिए। अरे मित्रों, ये गाजीपुर महर्षि विश्वामित्र की पावन तपोस्थली है, यह गाजीपुर महर्षि चंद्रग्न की पावन तपोस्थली है, यह गाजीपुर महर्षि कर्ण की पावन तपोस्थली है, यह गाजीपुर भीखा गुलाल अनेक संतों महापुरुषों की पावन तपोस्थली है। अरे गाजीपुर के नौजवानों, अरे गाजीपुर के बुजुर्गों, अरे मातृशक्ति देवियों, आपको फैसला लेना है कि महर्षि विश्वामित्र की धरती का, महर्षि जमदग्नि की धरती का, भीखा गुलाल की धरती का प्रतिनिधित्व राम को मानने वाला करेगा, या इस देश के टुकड़े टुकड़े का सपना देखने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों का नेतृत्व करने वाला करेगा। ऐ गाजीपुर के लोगों, इस गाजीपुर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भी ज्ञान देने का काम किया था। इस गाजीपुर की जड़ें अपने आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से जुड़ी हुई है। एक तरफ राम के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ भव्य दिव्य राम मंदिर बनाने के लिए उन राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले लोग हैं। फैसला आपको लेना है कि आपको किसके साथ खड़ा होना है। एक तरफ ऐसे हमारे प्रत्याशी आदरणीय पारसनाथ राय जी हैं, जो भगवान के आंदोलन में अपने प्राणों की बाजी लगा करके उस समय गए थे, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो दिव्य और भव्य राम के मंदिर का जब आमंत्रण जाता है तो उसको भी ठुकराने का काम करते हैं। ऐ गाजीपुर के नौजवानों, अपने पुरखों का सम्मान, अपने ऋषि मनुष्यों का सम्मान आज के दिन में आपके हाथों में है। गाजीपुर का प्रतिनिधित्व पारसनाथ राय जैसा राम भक्त करेगा, या ऐसे लोग करेंगे जो जेएनयू में नारा देते हैं भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाल्लाह इंशाल्लाह, या ऐसा नारा देते हैं अब जब हम शर्मिंदा है तेरे काकी जिंदा है, जो देशद्रोहियों के साथ अब चल जैसे लोगों के साथ जो सहानुभूति रखते हैं। फैसला आपको लेना है। हमारे भाजपा के लोगों, एक तरफ जो सैयद सालार गाजी था, जो आपके महापुरुषों को रोकना चाहता, जो सनातन संस्कृति को रोकना चाहता था सैयद सालार के वंशज है, तो दूसरी तरफ राम और कृष्ण के वंशज है। फैसला आप सबको लेना है। मैं जाके मैं कहते हुए तमाम वक्ता है, बस गाजीपुर के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आइए जाति और धर्म के ऊपर उठ करके जो लोग कभी नेताजी मुलायम सिंह यादव की धोती खींचने का संकल्प लेते थे, जो सामने वाला प्रत्याशी है, जो डिंपल भाभी को अनेक ऐसे शब्द बोलता था, अपमानित करता था, आज वही मुलायम भक्त बने हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने उसी मुलायम सिंह यादव
पद्मश्री पुरस्कार दे करके समाज को पूरा सम्मान देने का काम किया था। तो आपको आज के समय में पूरी ईमानदारी से फैसला लेना है कि भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म से ऊपर उठ करके समाज को बचाने का, इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर चली है। यदि मेरे बातों से सहमत है